हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो आज है हम दीघा और आपको दिखाने वाले हैं कि आज हम दीघा में किस होटल में रुके हुए हैं और इसका टूर देने वाले हैं आपको कि अगर आप भी आओ तो यहाँ रह सकते हो। तो हम जिस होटल में रुके हुए थे वो न्यू दीघा में सिचुएटेड है एंड इस होटल का नाम है द पिकूस। तो ये देख सकते हैं, ये मेन एंट्रेंस है पिकूस का जो कि बहुत बढ़िया। मैं आपको बता दूं, ये 3-स्टार होटल है दीघा में, लाइक न्यू दीघा में, और आपको यहाँ पे पुल भी मिल जाएगा और ये बिल्कुल समुद्र के पास है, लाइक 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ये होटल मिल जाएगा, या उससे भी कम आप बोल सकते हो। यहाँ पे बहुत ही पास में ये होटल है। तो ये देख सकते हैं आप, ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा और यहाँ पे पूल एरिया भी है। जैसा आप देख सकते हो, इस साइड रेस्टोरेंट है, उसके ऑपोजिट साइड ही पूल एरिया है। तो पूल भी आपको दिखाएंगे, बट पहले आपको उसका रूम टूर दे देते हैं, हमारा रूम जो कहाँ पे हमने क्या लिया है, कैसा सब कुछ। तो ये देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट फ्लोर में रूम था और यहाँ पे लिफ्ट भी दी गई है, अगर आप चाहो तो लिफ्ट से भी आ सकते हो। ये 4th फ्लोर का बिल्डिंग है, सो इसीलिए लिफ्ट भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो अभी हमारा जो रूम है वो है कॉर्नर में और हमारा रूम नंबर है 213 एंड 214। तो जैसा आप देख सकते हो, तो 214 तो अभी मैं नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं 213 ही आपको दिखाती हूँ। ये हमारा रूम है, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा रूम है हमारे को जो मिला हुआ है। तो ये हमारे 2 लोगों के लिए रूम है, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कर्टन बहुत ज़्यादा सिंपल रूम है, बट हाँ बजट फ्रेंडली मैं आपको बोल दूँ। ये जो है ये वॉशरूम है और यहाँ से हम एंट्री किए थे जैसा मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पे एक कबर्ड मिल जाएगी, टीवी है, आपको फ़ोन मिल जाएगी, अगर आपको कुछ मंगवाना है अपने रूम में तो वो भी आप मंगवा सकते हो। जो कि इनका पर्सनल, मतलब इनका खुद का रेस्टोरेंट है, तो आप जब भी चाहो कुछ भी आप ऑर्डर दे के मंगवा सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रेट है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और ये कबर्ड में जैसे एक्स्ट्रा पिलो एंड मैट्रेस जो रहते हैं वो दिए थे, वो दिया हुआ था यहाँ पे। ओके, तो ये देख लो, यहाँ पे आपको विंडो भी मिल जाएगी। तो ये विंडो नहीं खोलते क्योंकि बैक साइड में है, तो यहाँ पे 2 विंडो दी गई है और बहुत ही बढ़िया रोशनी आ रही है रूम में। एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा रश टाइम पे गए हुए थे ना, तो फ्रंट जो व्यू था वो सारे सोल्ड आउट थे, कुछ भी खाली नहीं था, तो हमें यही लेना पड़ा। और ये है वॉशरूम, ये सिंपल वॉशरूम है, मैं बता सकती हूँ। यहाँ पे आपको नॉर्मल जैसे आप होटल में आपको मिलते हैं ना शैम्पू सोप, ये सब यहाँ पे सारे कुछ दिए गए हैं, तो रूम बहुत ही अच्छा था। और ये देख लो, ये है पूल साइड एरिया जहाँ पे आप अपनी कॉकटेल या मॉकटेल जो भी है वो इंजॉय कर सकते हो, पूल साइड का मज़ा ले सकते हो। तो ये देख सकते हैं, ओवरऑल बिल्डिंग मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये है पुल जो कि अभी हम उसमें भी जाने वाले हैं और आपके साथ ये भी शेयर करने वाले हैं कि हमने कितनी ज़्यादा मस्ती की। और मैं अब बात करती हूँ रूम रेट की, तो इसका जो प्राइस है 500 रुपीज़ पर नाइट है और काफ़ी रीजनेबल है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल से जल्दी से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।